जिस भूमि पर जन्म लेने वाली मां जानकी मैया काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र भगवान शिव देते हैं, पर नेपाल देश की यह धारा एक ऐसी धारा है जहां मरने वाले को भगवान शंकर गुरु मंत्र नहीं देते। यहां तो जो बच्चा जन्म लेता है मेरा महादेव उसके पास में जाकर गुरु मंत्र प्रदान कर देता है। ये देश नेपाल देश कोई साधारण सा देश नहीं है। संस्कारों से बंधा हुआ है। हमारे यहां तो आज भी गाड़ी के नंबर भी अंग्रेजी में लिखे होते हैं। गाड़ियों पर जो नंबर प्लेट लगी होती है उसमें अंग्रेजी में लिख देते हैं, पर नेपाल देश की अगर सबसे प्रबलता देखी जाए तो यहाँ गाड़ियों के नंबर भी हिंदी में लिखे हुए होते हैं, अर्थात हिंदी और बिंदी को ये संजो कर चले होंगे। यहां भगवान शिव स्वयं आकर मंत्र प्रदान किए, और केवल एक साधारण से व्यक्ति के लिए नहीं, एक कोई ऐसा नहीं है कि बहुत धनपति होगा तो मेरा महादेव आएगा और मेरा महादेव मंत्र देकर जाएगा, कोई बहुत पैसे वाला होगा तो मेरा महादेव आएगा और मंत्र प्रदान कर कर जाएगा, कोई बहुत करोड़पति होगा तो मेरा महादेव आएंगे और उसको मंत्र देकर जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है मैना धन्या और कला ये तीनों पितरों की बेटियां, तीनों पुत्र ये तीनों बेटियां जो तीनों पुत्रियां ये पितरों की। आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग भी कथा श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। ये नेपाल देश की डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा है। स्वामी जी कह रहे थे कल, कह महाराज जी पहले लोग केवल पशुपतिनाथ दर्शन के लिए काठमांडू जाते थे, पर जब से लोगों ने डोलेश्वर महादेव का बार बार वर्णन व्यासपीठ से सुना तो अब जो पशुपति जाता है सबसे पहले डोलेश्वर का विचार कर कर जाता है कि उसको डोलेश्वर महादेव जाना है, डोलेश्वर महादेव का दर्शन करना है। मैं महाराज जी के पावन चरणों में कहना चाहूँगा, स्वामी जी श्री निरंजन स्वामी जी और श्री राजराजेश्वर जी श्री बालकदास जी, कि महाराज जी नेपाल देश की ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां शंकर जी का पुराना स्थान ना, कहीं दूधेश्वर महादेव, कहीं कपालेश्वर महादेव, कहीं ब्रह्मेश्वर महादेव, कहीं छेश्वर महादेव, कहीं डोलेश्वर महादेव, कहीं पशुपतिनाथ, ऐसे कई महादेव के मंदिर नेपाल देश के अंतर्गत हैं। और बड़ा विशेष प्रेम मेरे महादेव, ये पूरा ब्रह्मांड पूरी पृथ्वी, ये देश तो हम कहते हैं कि ये भारत देश है, नेपाल देश है, ये इंग्लैंड है, ये अमेरिका है, पर मेरे भगवान के लिए तो देश मूल नहीं, मेरे भगवान के लिए मृत्यु लोक मूल है, पृथ्वी मूल है। मेरा शिव वास करता है भूलोक पर, पृथ्वी पर। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, भगवान नारायण वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरे देव अधिदेव महादेव जिस भूमि पर निवास करते हैं वो साधारण सी भूमि नहीं, वो मृत्यु लोक शिवलोक भगवान शंकर का कैलाश धाम, यही पृथ्वी पर, यही पृथ्वी। तो पितरों की तीन कन्या मैना धन्या और कला, ये तीन कन्या पितरों की। सनकादि ऋषि बैठे थे तब साधना में लीन थे, भगवान की ये विरल भक्ति में लीन थे, तप में डूबे हुए थे। मैना धन्या कला का निकलना हुआ, अपने पिताजी से मिलने के लिए बेटियां जा रही थी, मैना का निकलना हुआ और मैना का निकलना हुआ और उनके जो लहंगा था, उनका जो वस्त्र था, वो वस्त्र में जो झूमर झुमके लगे हुए थे, जो दर्पण लगे हुए थे, हीरा लगा हुआ था, सोना लगा हुआ था, कुछ कारीगरी उस लहंगे में जो करी हुई थी, तो मैना जब निकल कर गई तो उसके लहंगे के उसके वस्त्र की चोट सनकादि ऋषियों को लग गई, सनत कुमारों को लगी।
अब मैना निकल कर गई तो चोट लगी, धन्या निकल कर गई तो चोट लगी, कला निकल कर गई तो चोट लगी। बार बार जब संतों को चोट लगी, सनत कुमार को थोड़ा सा क्रोध जागृत हो गया, थोड़ा सा क्रोध आया। हो जाता है, आप जहां बैठे हो, आप लोग जहां कहीं भी बैठे हो, आप एक जगह पर बैठे हो ना, तो वहां से आप बैठे थे और बैठे बैठे किसी ने कह दिया सर प्लीज आपके हाथ जोड़ते हैं, आप यहां से उठकर वहां बैठ जाओ। अब आप वहां बैठ गए, फिर कोई आ गया आपके पास में और आपके पास में हाथ जोड़ कर बोला सर प्लीज आप यहां से वहां बैठ जाओ। अब आप फिर वहां पर जाकर बैठ गए, जैसे शादी में जब आजकल तो होटलों से शादी हो जाती है, बड़े बड़े भवन बन जाते हैं। पहले शादियों में जब गांव खेड़े में शादियां होती थी, छोटे छोटे क्षेत्रों में शादी होती थी, तो ऐसा गद्दों का और रजाई का ढेर लगा दिया जाता था, और गद्दे रजाई का ढेर लगाकर सब कोई आधों को इधर सुला दिया, आधों को उधर सुला दिया, टेंट लगाया उसमें सब, ठंड का समय, भयंकर ठंड, और सबको वहां सुलाने के लिए गादी और रजाई दे दी। अब रजाई दे दी, बेचारे चार बुजुर्ग, अब चार बुजुर्ग लोग अब इधर जाकर सो गए, अब इधर जाकर सोए, और इतने में उन्होंने रजाई वजाई ओढ़ी, और ठंड का भयंकर समय, और रजाई ओढ़कर सोए, और सोने के एक घंटे बाद इन्होंने एक तो ठंड, और ठंड में रजाई ओढ़ी, ओढ़ने के बाद रजाई धीरे 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 गर्म हुई। अब गर्म होते से ही थोड़ी देर गर्म हुई, इतने में दो तीन लड़के आए, और लड़कों ने आकर कहा नहीं दादाजी, नहीं दादाजी आप यहाँ नहीं सोओगे, ये कमरा तो हमारा है, हम यहाँ सोएंगे। अब दादाजी उठकर रजाई छोड़कर दूसरी जगह चले गए। अब दूसरी जगह उन्होंने फिर बेचारों ने रजाई ली, अब ठंड का समय, अब बड़ी मुश्किल से फिर रजाई ओढ़ी, अब रजाई आधा एक घंटा में फिर गर्म हुई, इतने में लड़कियां आ गईं, छोरियां आ गईं। अब लड़कियों ने आकर कहा नहीं दादाजी, नहीं दादाजी हम यहाँ पर रहेंगे, तुम दूसरी जगह चले जाओ। अब दादाजी फिर रजाई उठाए, फिर गादी उठाए, फिर तीसरी जगह बिछाई, तीसरी जगह बिछाई, फिर रजाई उन्होंने एक घंटे में गर्म करी ओढ़कर, क्योंकि रजाई भी ठंडी और ठंड का समय, बड़ी मुश्किल से रजाई फिर गरम करी, और गरम करी फिर कहीं का आ गया, और चौथी बार फिर दादाजी आपको उधर जाना पड़ेगा, उधर बैठना पड़ेगा। दादाजी ने फिर गद्दा बिछाया, फिर रजाई ओढ़ी, और रजाई फिर बड़ी मुश्किल से एक घंटे में गरम हुई। आपकी बार कोई आने के गया, आकर कहा दादाजी आपको वहां जाकर बैठना पड़ेगा। इतने में तो दादाजी को गुस्सा आ गया, और गुस्से में आकर बोले हम केवल क्या बारात में आए कि रजाई गरम करने आए, जब देखो जब हमारी गरम की गरम रजाई कोई दूसरा लेकर चले जाता। अब आधे घंटे में तुम ओढ़ के उसको गर्म करते, और मालूम पड़ा दूसरा लेकर चले जा। अब बार बार कोई तुमसे कहे सर प्लीज आप उधर बैठ जाओ, सर प्लीज आप उधर बैठ जाओ, थोड़ी देर में यहां बैठे थे, फिर वहां बैठे, फिर वहां से वहां बैठे, वहां से वहां बैठे, वहां से वहां बैठे, वहां, तो उसको क्रोध आ जाएगा, नाराजगी आ जाएगी। बस माँ मैना धन्या कला तीनों निकल कर जा रही थी, और निकल कर जाते जाते इनके चरण का जो इनका जो लहंगा था, लहंगे में जो बर्क लगी हुई थी, वो बर्क से सनत कुमारों की जंघा में चोट लग गई। और जो जंघा में चोट लगी, जो जंघा में चोट लगी, बस सनत कुमारों को क्रोध आ गया, और सनत कुमारों को क्रोध आया, और उन्होंने कह दिया मैना धन्या कला तुम पितरों की तीन बेटियां हो और पितृ लोक में रह रही हो, दुनिया का सबसे सुंदर लोक है पितृलोक, पितृलोक जहां पर पितृ निवास करते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे पूर्वज मुक्त हुए कि नहीं हुए, हमारे पूर्वजों का मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक पितृलोक में पितृ रह रहे हैं वो बड़े सुखी रहते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। और पितृलोक में पितृ कब तक आनंद में रहते हैं, पितृलोक में पितृ कब तक सुख से रहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि कोई परिवार का एक व्यक्ति भी अगर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठता है, अब आप लोग तो इतने लोग शिव महापुराण की कथा में नेपाल देश के अंतर्गत भी श्रवण कर रहे हो, आप इतनी संख्या में पहुंचे हो, और
शिवमहापुराण की कथा जब कोई श्रवण करने के लिए बैठता है, जितनी देर तक शिवमहापुराण की कथा में वो कथा सुनने बैठता है, उतनी देर तक उसके घर के पूर्वज जो पितृलोक में रहते हैं, उन पूर्वजों के पास में स्वयं नारायण उनके कंधे पर हाथ रखकर कथा श्रवण करते रहते हैं। स्वयं नारायण, जितनी देर तक आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, जितनी देर तक भगवान शंकर की कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, जितनी देर तक बैठकर भगवान शिव के तत्व का स्मरण कर रहे हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, केवल शिव कथा, केवल शिव कथा मनुष्य ही नहीं श्रवण करता, शिव महापुराण की कथा कहती है देवता भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए मृत्यु लोक में आकर जहां तहां विराजमान होकर शिव तत्व को श्रवण करना चाहते हैं। ये शिव तत्व है, अविरल भक्ति देने वाली शिव। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव पुराण कह रही है, जितनी देर तक आप बैठकर शिव तत्व को सुनते हो, जितनी देर तक बैठकर आप शिव महापुराण को श्रवण करते हो, जितनी देर तक बैठकर आप भगवान शंकर की चर्चा करते हो, उतनी देर तक नारायण बैकुंठ छोड़कर पितृलोक में निवास कर पितरों के कंधे पर हाथ रखकर शिव महापुराण की कथा पितृलोक में श्रवण करते हैं। शास्त्र कहता है महाराज खेतान जी, बहुत बहुत साधुवाद है, शिव महापुराण अगर कोई ना भी पढ़े ना, और उज्जैन महाकाल की नगरी में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर जाकर एक दीवार पर पत्थर से अंकित है, कोई पुराण एक पीढ़ी को तारेगी, कोई पुराण दो पीढ़ी को तारेगी, कोई पुराण सात पीढ़ी को तारेगी, पर शिव महापुराण के लिए ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के दरवाजे पर पत्थर पर अंकित हजारों साल पहले का लिखा है, केवल एक शिव महापुराण ऐसी होती है जो 71 पीढ़ी को तार देती है, कथा करवाने वाले भी, सुनने वाले भी, बांचने वाले भी, उसमें सहयोग करने वाले। ये खेतान परिवार का सौभाग्य, इनके पूर्वज हम तो कहेंगे जैसे बच्चा गुल्लक भरता है और उस गुल्लक में पैसा इकट्ठा करता है और गुल्लक भरने के बाद जब फोड़ता है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, तो खेतान परिवार के दादा परदादा माता पिता बुजुर्ग उनके भी पिता माता और दोनों पक्ष, यहाँ ससुराल पक्ष और मायका पक्ष दोनों के कुछ पुण्य उदय हुए होंगे, इनकी भी पति की अगर 71 पीढ़ी देखी जाए तो माता की भी 71 पीढ़ी देखी जाए, दोनों की 71 पीढ़ी के कहीं पुण्य प्रबल होते हैं तब जाकर शिव महापुराण की कथा अपने देश में और अपने क्षेत्र में प्रारंभ होती है। महाराज ये शिव तत्व है, ये शिव जी की कृपा, ये उनकी उदारता। और आप लोग जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, बड़े बड़े साधुवाद के पात्र, कुछ तो पुण्य करा है वीरगंज वालों ने, ये पक्का है कि कहीं ना कहीं आपका पुण्य प्रबल हुआ होगा। हम माना ये तुम्हारा जो समय है 2 बजे से 5 बजे तक, ये सब भोजन मोजन करने के बाद आराम से पलंग पे सोने का समय है और 5 बजे उठो और उठने के बाद फिर काम में लग जाओ, माना ये आपका 2-3 घंटा 2 से 5 बजे तक का जो समय, ये थोड़ा विश्राम का समय, आराम का समय है। पहला दिन ऐसा रहेगा, थोड़ा थोड़ा आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ
कथा हो रही है और थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बहुत गर्मी भी है, ताप भी है, फिर भगवान भी कहता है देखो जो अदरक होती है ना, जी जी जानती हो ना अदरक को, अदरक जो होती है ना उस अदरक को जितना कूटो ना चाय में उतना स्वाद, बोलो जम के बोलो जरा, आता अदरक को जितना कूटोगे ना उतना चाय में स्वाद आएगा। और अदरक को कूटो ही मत, तुम बस इतना बड़ा डिगली लेके अदरक को तोड़ के और चाय में डाल दो और चाय को उका ले जाओ, स्वाद आएगा क्या? जम के बोलो जरा, आएगा नहीं आएगा? अदरक को जितना कूटोगे चाय में उतना स्वाद बढ़ जाएगा। उसी तरह सात दिन की शिव महापुराण में तुम भी इधर से उधर से, कोई यूं खसकाए कोई यूं खसकाए, इधर से धूप पड़ रही इधर से जाना है, कोई कहे इधर से जाओ, कोई के उधर से जाओ, कोई के गाड़ी वहां खड़ी कर दो, कोई के वहां जाओ, और ऐसे कुटाओ मालूम पड़े अदरक की तरह, कुटते जाओ कुटते जाओ कुटते जाओ, तो ये निश्चित है सात दिन में तुम्हें स्वाद आ ही जाएगा, ये निश्चित था, ये आनंद की अनुभूति तुम्हें हो ही जाए। ये कहीं ना कहीं तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा अदरक को थोड़ा ज्यादा कूटना पड़ेगा। तो अब तुमसे कोई कह दे कहां गई थी तू, तो कह देना सिलवत्ते में कूटने गई थी। पूछ ले मान लो गई कहां थी तू, है इतना महाराज जी, तो तब 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 और मालूम पड़ जाता तुमको, ये वाला पाँव इस पे, ये वाला पाँव इस पे, अब फिर अदरक कुटान दो जोरदार उधर सिर्फ सिर्फ, फिर इधर से मालूम पड़े पानी पी रही थी खुद ढुल गया उस पे, अब अदरक कुटा दो, क्यों कुटाने के बाद उसका स्वाद। बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बस शिव तत्व को हमें जानना है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को। तुम मैना धन्या कला के वो लहंगे से जो चोट लगी है महाराज, वो श्रेष्ठ नहीं। अपने जीवन को सार्थक बनाए, मैना धन्या कला तुम अपने पिता से मिलने जा रही हो और संत बैठे हैं और संत के चरण पर चोट लग रही। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई भजन कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, मंत्र जाप कर रहा हो, कोई तुम्हारे घर में बैठकर भगवत नाम भी जप रहा है, भगवान का भजन भी कर रहा है, तुम्हारे घर में बैठकर भगवत नाम का रसतत्व भी ग्रहण कर रहा है, तुम्हारे घर में बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को भी धारण कर रहा है, तो शिव महापुराण कथा कहती है कि उसको दुख नहीं होना चाहिए, उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी जीव को कष्ट देकर, किसी को दुख देकर हम सुख कैसे अनुभव कर सकते हैं? किसी को कष्ट देकर हम सुख का अनुभव कैसे कर सकते हैं? जब पूरे ब्रह्मांड में मृत्यु लोक में कोई दूसरे देवता की ना तो मूर्ति थी, पूरे ब्रह्मांड में पूरे पृथ्वी पर ना दूसरे देवता का कोई क्रम था, पूरे ब्रह्मांड में पूरे मृत्युलोक में पूरी पृथ्वी पर केवल एक देव था और वो देव अधिदेव महादेव। आपने भी अपने जीवन में देखा होगा पहले के समय में हड्डी का डॉक्टर, आँख का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, फेफड़े का डॉक्टर, लीवर का डॉक्टर, किडनी का डॉक्टर, पीठ का डॉक्टर, सिर का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर अलग अलग होते थे क्या? ईमानदारी से बोलना, होते थे नहीं? एक डॉक्टर होता था, बस उसके यहाँ चले जाओ, जाकर कह दो साहब फेफड़ा दुखा, साहब सिर दुखा, साहब आंख दुखी, साहब कान दुखा, साहब नासिका दुखी, साहब दांत दुखा, साहब हड्डी दुखी, साहब पांव दुखा, तो वो सारा इलाज एक ही कर देता था। अब जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे ये डॉक्टर होन भी बढ़ गए, साहब ये आँख का है, ये कान का है, ये जीवान का है, ये दांत का है, ये हड्डी का है, ये किडनी का, ये लीवर का, ये फेफड़े का, ये चेस्ट का, ये कमर का, ये कंधे का। अभी अभी और रुको, अभी 10-20 साल में और नए 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 और बढ़ते चले जाएंगे, शाखाएँ बढ़ गई। पहले एक डॉक्टर था, सबका इलाज कर देता था, इसलिए पहले केवल एक डॉक्टर था
देव अधिदेव महादेव सबका इलाज कर देता था, जो आया उसको ताल। पशु आया, पक्षी आया, जलचर आया, थलचर आया, वायुचर आया, देव आए, मनुष्य आए, असुर आए, राक्षस आए, अप्सरा आई, गंधर्व आए, जो आया महादेव की शरण में, महादेव सबको ताल देते, सबको। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्नी बाहें पसार। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा। एक डॉक्टर होता था सब इलाज कर देता था, एक महादेव होता था सबका इलाज कर देता, एक किशन। आपका किया गया तप, आपका किया गया भजन, आपका किया गया सुमरण, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप खाली नहीं जाता। आज भले दुनिया के लोग भटक रहे, आज बड़े दुनिया के लोग भ्रमित हो रहे, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग जानते हैं एक ही डॉक्टर सारा इलाज कर देता था। पहले के लोग नहीं जानते थे कि ये अलग है कि वो अलग है, केवल एक मेरे महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते थे, सूर्य भगवान को अर्घ देते थे और भगवान का भजन करते थे और पार उतर जाते थे। आज मनुष्य भटक रहा है, मानव भ्रमित हो रहा है, भ्रमित। अब जिस देश में रह रहे हो, आप जिस देश में निवास कर रहे हो, जरा विचार करिएगा कि उस देश में भगवान पशुपति नाथ रह रहे हैं। अर्थात पशुपति नाथ का क्या मतलब है? एक भगवान शिव जो पशुओं के भी देवता है, पक्षियों के भी देवता है, एक भगवान शिव जो असुरों के भी देवता है, देवताओं के भी देवता है, एक भगवान शिव अप्सरा गंधर्व जलचर थलचर वायुचर जितने हैं सबके देव हैं, और हम उनकी भक्ति में रमे हुए हैं। जरा विचार करिए कितना कितनी कृपा शिव की है। सबसे कीमत वाला शरीर है ये, कौन सा शरीर? मनुष्य का शरीर सबसे कीमत वाला है। एक किडनी की कीमत दूसरी किडनी की कीमत किसी हॉस्पिटल में जाके मालूम करना कितना कीमत वाला है। अब तुम किसी एक साधारण जीव जंतु चिड़िया पशु पक्षी को लेकर चले जाओ, उसकी इतनी कीमत मिलेगी क्या? अरे बोलो, जम के बोलो, जरा मिलेगी इतनी कीमत? सबसे कीमत वाला शरीर है यह मनुष्य शरीर। और जरा विचार करिएगा आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अरे बोलो तो रे, जरा नहीं लगेगा ना? 25 लाख की गाड़ी में डीजल और पेट्रोल नहीं डाला जाए और क्रोसिन का तेल और घासलेट डालकर चला लोगे क्या? अरे जम के बोलिए जरा, नहीं चला सकते ना? नहीं हो सकता है। 50 लाख की गाड़ी और अगर तुम्हारे 50 लाख की गाड़ी में, 60 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में डीजल पेट्रोल नहीं है तो तुम क्या वो घासलेट का तेल क्रोसिन का तेल डालकर चला सकते हो 1 करोड़ की गाड़ी? 50 लाख की गाड़ी नहीं, नहीं मशीन बेकार हो जाएगी, नहीं नहीं गाड़ी बेकार हो जाएगी। 50 लाख की गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी है, 70 लाख की गाड़ी है, 80 लाख की गाड़ी है, 60 लाख की गाड़ी है, 25 लाख की गाड़ी है, 5 लाख की गाड़ी है, 5 लाख की गाड़ी में भी तुम घासलेट का तेल क्रोसिन का तेल डालकर नहीं चलाते तो फिर ये करोड़ों की गाड़ी में आड़ा टेढ़ा सामान डाल के क्यों चलाते? बोलबम का नारा है,
हम जब आ रहे थे तो हमने देखा था कहीं इधर टंग रहे कहीं उधर टंग रहे, हमने कहा गाड़ी इतनी कीमत वाली और घासलेट का तेल डाल डाल के चला रहे, कितनी कीमत इस गाड़ी की, कितनी कीमत, गाड़ी तो देखो कितनी कीमत वाली है, 25 लाख की गाड़ी, 5 लाख की गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी, कभी अंदाजा लगाना इस शरीर की कीमत क्या है। एक किडनी खराब होती है, जब किडनी बदलने का समय आता है बाजार से दूसरा जब डोनेट करता है लाखों रुपए लेकर एक किडनी देता है, कीमत लगाइए जरा इस गाड़ी की कितनी कीमत है। एक लीवर गड़बड़ होता है उस लीवर की कीमत लगाइए, एक आंख गड़बड़ होती है उस आंख की कीमत लगाइए, एक दांत बेकार हो जाता है तो दांत की कीमत लगाइएगा कि वो दांत चले गया तो आपको कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है। शरीर के एक एक अंग की कीमत लगाइए। 50 लाख की गाड़ी को घासलेट के तेल से क्रोसिन के तेल से मत चलाओ, गाड़ी की मशीन खराब हो जाएगी। उसी तरह इस शरीर को आड़ा टेढ़ा खाके मत चलाओ, मशीन खराब हो जाएगी, बाद में दुख हो जाएगा, ये चल नहीं पाएगी। आजकल बीमारी इतनी बढ़ गई साहब, ये मशीन गड़बड़ हो गई ना तो बीमारी इतनी बढ़ गई। 15 साल के बच्चे को तो अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक, 15 साल का बच्चा, 10 साल का छोरा, 5 साल का बच्चा, शुगर, 5-5 साल के, 8-8 साल के बच्चे को शुगर हो गई। बुजुर्ग बुजुर्ग माताओं के आंख में आज भी चश्मा नहीं है। अभी हम अगर इसी नेपाल देश की बुजुर्ग बुजुर्ग माताओं से मिले तो उनकी आंख में आज भी चश्मा नहीं है। और नई नवेली बहू इतनी डेंटिंग पेंटिंग करने वाली, और मालूम पड़े अभी भी ऐसी डब्बी में से निकाल के, और चश्मा तो आजकल लगाती नहीं क्योंकि चश्मा लगाने में उसका फैशन जाए, तो इतनी सी डब्बी में ना जाने क्या रखा रहता है, उसको निकालेगी और आंख को ऐसा फाड़ेगी। क्या बोलते जी जी? हाँ बस तुम समझ गए ना, कथा हो गई समझ, बस महाराज तो समझा समझाया, तुम समझ जाओ बस, हो गया हो। और 3-4 बार यूं भी करके देखती है, सही फंसा है कि नहीं फंसा, आराम से 3-4 बार। गाड़ी कितनी सुंदर है, गाड़ी कितनी कीमत वाली है, और इतनी गाड़ी कीमत वाली हो और कीमत वाली गाड़ी में घास लेट और क्रोसिन का तेल डालकर चलाओ तो उसकी कोई महत्वता नहीं है। गाड़ी अगर कीमत वाली है तो डीजल पेट्रोल भी अच्छा डाला जाए। महाराज ये विचार करिएगा जरा, इसकी कीमत समझिएगा मानव के देह की, जिसने कीमत समझ ली उसका जीवन धन्य हो गया, जीवन धन्य। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। इतनी कीमतवान गाड़ी का एक तत्व पहचानो, इसकी कीमत जानो। जानो शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। मैना, धन्या, कला तीनों के लहंगे की चोट लगी सनत कुमार जी को, और सनत कुमार को क्रोध आया, श्राप दे दिया, तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। आंखों में जल भर गया, तीनों ने शिव जी की आराधना की। अभी आपको कहा था नेपाल देश एक ऐसा देश है जिस देश में भगवान शंकर जन्म लेने वाले बच्चे को भी गुरु मंत्र देने के लिए आते हैं, ये कोई साधारण देश नहीं है, जहाँ का कंकर कंकर शंकर के रूप में विराजमान है, कंकर कंकर शंकर, जहाँ की पवित्र नदी में से भी श्री नारायण हरि सालिग्राम जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कितनी पवित्र होगी वो गंडकी नदी, कितना पवित्र होगा वो कंकर शंकर का पावन आनंद, जरा विचार करिएगा कितना पवित्र, कितना पवित्र। अब शिव कथा कह रही है, तीनों ने क्षमा मांगी
सनत कुमारों से कहा हमें क्षमा कर दो, गलती हो गई हमसे, हमारे शरीर के द्वारा आपको कष्ट हुआ, ये गलती हो गई, पर आप कृपा करो, अगर आप दया करोगे तो सब कुछ हो सकता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब, आप कृपा कर दो बस। सनत कुमारों ने कहा तो इन तीनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी, वर दिया मृत्युलोक में जाओगी, तुम्हारे गर्भ से तुम्हारी गोद में तीन बेटियां खेलेंगी, वो तीन बेटियां संपूर्ण विश्व का कल्याण कर देंगी, तीन बेटियां संपूर्ण विश्व का कल्याण कर। अब मेनावती के गोद में माँ पार्वती जी है, जरा ध्यान देना, डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा चल रही है, और आपको कहा कि भगवान शिव आकर गुरु मंत्र देते हैं नेपाल देश की इस धरा पर, तो हमको जरा गहनता में लेना पड़ेगा कि नेपाल देश की इस धरा पर देवाधिदेव महादेव के इतने मंदिर पूरे नेपाल देश में, पूरे नेपाल देश में, पूरे नेपाल देश में जितने किसी देव के मंदिर नहीं उससे ज्यादा हैं महादेव के मंदिर पूरे देश में, पूरे नेपाल देश के अंदर। आप जहां जाओगे वहां महादेव मिल जाएंगे आपको, जहां जाओगे वहां महादेव। और बड़े प्राचीन कई कई मंदिर तो इतने प्राचीन हैं जहां केवल आप जाकर बैठे और आपको ऊर्जा प्राप्त होती है महाराज, आपको बल मिलता है। पशुपतिनाथ, दुधेश्वर नाथ, डोलेश्वर, ऐसे कई मंदिर हैं नेपाल देश के जहां केवल आप जाकर बैठे हो और आपको बल मिला। और जरा विचार करिए जिस नेपाल देश में पूरे विश्व को अगर किसी देश ने ढेरों माल दिया हो, ढेरों संपदा दी हो, कोई कहता है अमेरिका ने उसको यह दिया, कोई कहे भारत ने उसको यह दिया, कोई कहे पाकिस्तान ने यह दिया, कोई कहे इंग्लैंड ने यह दिया, कोई कहे हॉलैंड ने यह दिया, कोई कहे चीन ने यह दिया, पर नेपाल देश ने संपूर्ण विश्व को अगर कुछ दिया है तो एक कन्या का सम्मान करने का, पूजन करने का एक क्रम नेपाल ने दिया है कि कन्या की पूजन कैसे करी जाती है, कन्या का आदर कैसे करा जाता है, एक छोटी सी कन्या का सत्कार कैसे करा जाता है, एक छोटी सी कन्या का मान सम्मान कैसे करा जाता है, एक छोटी सी कन्या में देवी कैसे देखी जाती है, एक छोटी सी कन्या में देवी का भाव क्या होता है, एक छोटी सी कन्या में देवी का क्रम क्या होता है, एक छोटी सी कन्या में देवी कैसे विराजमान होती है, एक छोटी सी कन्या में उसके चरण में देवी का कैसे आनंद होता है, छोटी सी कन्या में देवी का वास कैसे होता है, ये नेपाल देश ने संपूर्ण देश को बताया है कि छोटी सी कन्या में देवी का स्वरूप होता है, ये नेपाल देश बताता है। एक कन्या का पूजन, एक कन्या की आराधना, एक कन्या का स्तवन, एक कन्या को नमन करना, एक कन्या के चरण पूजन करना, कन्या को भोज कराना, कन्या के चरण पूजन करना, ये हमारा नेपाल देश देता है। महाराज मैना धन्या कला तीन है, मैना जी के गर्भ से माता पार्वती, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता जानकी जी आई हैं, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी आई हैं, धन्या जो सुनैना बनी है वो धन्या कोई साधारण नहीं है। एक दिन मैना भगवान शंकर की शिवलिंग का पूजन कर रही थी, धन्या ने आकर पूछ लिया तू कर क्या रही है,
आखिर तू एकांत में बैठकर ये कौन से महादेव का पूजन कर रही है। एकांतेश्वर महादेव का पूजन करते करते धन्या ने पूछ लिया, तू आखिर कर क्या रही है? तो मैना कहती है, मेरे गर्भ में जो बच्चा है, मेरे गर्भ में जो संतान है, उसको मैं प्रबल बनाने के लिए, शिव तत्व को जानने के लिए शंकर की आराधना कर रही हूं। तो धन्या कहती है, मुझे भी शिव तत्व को जानना है, मुझे भी शिव तत्व को जानना। धन्या, पर तू मृत्यु लोक में जन्म तो लेगी धन्या, पर तेरे गर्भ से संतान का सुख हो ये मैं नहीं कह सकता। धन्या कहती है, तुम किसकी पूजन कर रही हो? मैना कहती है, मैं महादेव की आराधना कर रही हूं, एकांतेश्वर महादेव की। अगर मैं शिव की आराधना करूंगी तो क्या शंकर भगवान मेरी झोली नहीं भरेंगे? क्या मैं शिव की आराधना करूंगी तो क्या महादेव मेरी गोदी नहीं भरेंगे? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करने वाला होता, एक धन्या पूछ रही है अपनी बहन मैना से, पूछ रही है धन्या। धन्या ने मैना से पूछा, क्या शिव जी की आराधना करने वाले को क्या फल नहीं मिलेगा? अगर मैं मान लो मैना तुझे संतान की प्राप्ति हो गई और मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं, तो क्या मुझे फल नहीं मिलेगा? फल प्राप्त नहीं करूंगी, क्यों नहीं होगा? धन्या कर भजन। धन्या भजन करती 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 राजा जनक की धर्म पत्नी धन्या सुनैना बन गई। अब संतान का सुख नहीं, जरा देखिए, थोड़ा ध्यान करिएगा, संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, पर करी गई आराधना, करा गया भजन खाली नहीं जाता। आप लोग जितने लोग भी शिवपुराण सुन रहे हैं, चाहे टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे या इस नेपाल देश की वीरगंज क्षेत्र में श्रवण कर रहे हो, आप कथा खाली नहीं जाएगी। आप आए हो ना कथा सुनने के लिए, आपको 7 दिन के बाद मालूम पड़ेगा कि ये झोली खाली नहीं है, भरी हुई है। और कितनी भरी है ये महादेव ही जान सकता। ये खेतान परिवार कथा करा रहा है, ये महादेव ही जान सकता है कि क्या मिलेगा, क्या देगा वो देवाधिदेव महादेव, ये वही जान सकता। तीन घंटा 2 बजे से 5 बजे तक का समय आपने, अपना सोने का समय, अपने काम का समय, कहीं जाने आने का समय सब छोड़कर आप अपना समय निकाल कर अगर महादेव को दिए हो, तो महादेव भी तो कैलाश पर बैठकर अपना समय निकाल कर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेगा, ये निश्चित है। आप करे हो इसलिए वो कर रहा। अब पूछा सुनैना जी, पूछे कि मेरा करा गया तब कभी साथ देगा, मेरी भी झोली भराएगी? महादेव की पूजा कभी खाली नहीं जाती, शिव महापुराण कभी खाली नहीं जाती, भगवान का भजन कभी खाली नहीं जाता, भगवान के सामने शीश झुकाया कभी खाली नहीं जाता, भगवत नाम का कीर्तन कभी खाली नहीं जाता, भगवान का किया गया गुणगान कभी खाली नहीं जाता, जीवन में एक लोटा जल अगर आपने देवदिदे महादेव को चढ़ाया है खाली नहीं जाता, शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाई है खाली नहीं जाती, एक बेलपत्र का सुख क्या होता है ये संसार के लोग समझ नहीं पाएंगे। पर आने वाला समय इतना विचित्र हो जाएगा कि इस बेलपत्र की कीमत लोग धीरे धीरे जब रिसर्च करेंगे कि आखिर सियोर वाला महाराज क्यों कहता है कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाओ किडनी ठीक हो जाती है, लीवर ठीक हो जाता है, शुगर ठीक हो जाती है, थायराइड ठीक हो जाती है, बीपी ठीक हो जाता है, एक बेलपत्र में ऐसा क्या सुख है कि शुगर बीपी थायराइड किडनी लीवर सब ठीक हो जाता है? धीरे धीरे लोग इस बेलपत्र पर रिसर्च करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे,
आने वाला समय ऐसा होगा कि लोग चाय की पत्ती को भी छोड़कर बेलपत्री की ही पत्ती की चाय बनाकर पीना चालू कर देंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। इस बेलपत्र को पहचानना कठिन है। पहले लोग मंदिर में बेलपत्र चढ़ती थी, फेंक देते थे, आज लोग पहचाने इस बेलपत्र को तो उठाकर खाते हैं, लाते हैं, अपने परिवार को देते हैं। एक बेलपत्र का सुख क्या है? लोग सुन जरूर रहे पर एक अंदाजा लगाकर बैठना, बाद में मालूम पड़ेगा कि ये कथा है हमारे क्षेत्र में वीरगंज में कथा हुई, हमारे पास में कथा हुई, यहीं लगा हुआ था वीरगंज और हम कथा सुनने नहीं जा पाए। आखिर कारण अगर चले जाते हैं तो क्या दिया उसने वही जान सकता है। वो क्या देगा? सुनैना जी के घर में संतान का सुख नहीं, बड़ी दुखी, क्या करें, कहां से संतान आएगी, क्या होगा, विचार करा गया बार बार विचार। तब बहन मैना के शब्द याद आए, शिव की करी गई आराधना खाली नहीं जाती, वो मिलेगा जरूर। और हुआ, सुनैना जी के पति श्री जनक जी महाराज ने जब हल इस नेपाल देश की पावन धरा जनकपुरी में जल हल चलाया, उस हल के नीचे एक छोटी सी बेटी को पाया, वो बेटी कोई दूसरी नहीं थी, मेरी जानकी मैया थी। साधारण कहा, इसीलिए कहते हैं महाराज, अजब है भोला नाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, अजब है भोला नाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, अजब है भोला नाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, अजब है भोला नाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात भाव से, हृदय से बाबा देवाधिदेव महादेव से कही। नेपाल देश की वीरगंज क्षेत्र की यह पावन धरा, जहां भगवान डोलेश्वर महादेव की पावन कथा अपन श्रवण कर रहे हैं, जहां जगह मिले वहां बैठ पड़े भाव से बाबा से प्रार्थना अपने दिल से करिए। जिस मंत्र को, जिस भाव के साथ शिव महापुराण के मूल शब्द को अपन उच्चारण करते हैं, भजन के बाद में ये उच्चारण हम इसलिए करते हैं कि हम अपने दिल की बात बाबा से कह सकें इस कथा के पंडाल में। आप भी दिल से कहिएगा, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो,
शिव महापुराण की कथा कहती है, सुनैना जी ने जो धान्या बनकर शिव तत्व को जाना था, उसका फल ये मिला कि सुनैना जी के यहाँ संतान का सुख भूमि से प्राप्त हो गया। भगवान देता जरूर है, एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और भगवान जब लेता है तो तन के कपड़े भी फाड़ लेता है। देता भी बड़ा खुश होकर है और लेता भी बड़ा जोर का है। करो, घर संभालो मना नहीं, परिवार संभालो मना नहीं, कुटुंब संभालो मना नहीं, आपका पूरा घर, दुकान, व्यापार, व्यवसाय, परिवार सब कुछ संभालो। पर भगवान से ये भी प्रार्थना करना, जैसे आज खेतान परिवार पर भोलेनाथ जी आपने कृपा करी है, ऐसी कृपा हम पर भी करना कि हम भी अपनी कत्तर पीढ़ी को एक बार पार उतार सकें, ऐसी करुणा आप हमारे साथ, ऐसी दया आप हमारे ऊपर करना कि हम भी जीवन में एक बार तो शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण कर सकें। संतान का सुख मिला, जनक जी के हाथ जमीन से भूमि से हल चलाते समय माँ पार्वती जी, माता जानकी जी प्रकट हो। अब विचार करिएगा जरा कथा की ओर, जरा विचार करिए, भूमि में से प्रकट हो गई, जमीन में से। लेकर आए कोई आपसे पूछे कि सीहोर वाले गुरुजी ने यह कथा कहां से सुनाई है, तो जानकी चरित्रमृत पृष्ठ संख्या 39, 40, 41, 42, 43, 44 और 45, जिसमें वर्णन किया गया जानकी जी जन्म ले ली। भगवान कहीं से भी देता है, देता जरूर है, कहीं से भी पूर्ति करेगा, करेगा जरूर। कथा तो वीरगंज में होना थी, नेपाल देश की इस धरा पर होना थी, पर खेतान परिवार को अगर देवदीदे महादेव ने चुना है तो कहीं आपके जो पूर्वज है ना खेतान जी, इनका आशीर्वाद आप लोगों पर होगा, सारे भाइयों पर होगा, इसलिए बाबा ने ये भूमि पर वीरगंज की धरा पर यीशु महापुराण की कथा करवा दी। कहीं पुण्य होते हैं तब वो पुण्य प्रबल होते हैं, और कभी कभी ऐसा योग बन जाता है कि कथा सारा जम जाए, कथा सारी होने लगे तो कथा नहीं हो पाती। अभी हमारे क्षेत्र में कथा हो जाना, कथा श्रवण कर लेना एक अलग विषय, और जो पुण्य करता है ना, जो भजन करता है, उसको भगवान कीचड़ में से निकाल कर भी बाहर कर देता है। एक बड़ा सुंदर चरित्र है, एक गाय चर रही थी घास, घास चरते चरते जंगल में गाय जब घास चर रही थी, घास चरते 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 गाय आगे गई, और आगे गई, और आगे गई, जाते जाते एक सिंह ने उसको देख लिया, शेर दबे पांव से सिंह पीछे पीछे आया गाय को खाने के लिए, और सिंह पीछे पीछे आया, गाय को लग गया शेर मुझे देख रहा है, सिंह मुझे देख रहा है, शेर मुझे खा जाएगा, गाय भागी, शेर उसके पीछे भागा, भागते भागते गाय ने सोचा अब मैं थक गई हूं कहां जाऊं, सामने की देखा एक बड़ा सारा तालाब था, उस तालाब में गाय अंदर कूद गई। तालाब में पानी कम था, कीचड़ ज्यादा था, गाय कूद गई, जैसी गाय कूदी शेर भी उसको गाय को खाने के चक्कर में तालाब में कूद गया। अब शेर भी तालाब में कूद गया, गाय भी तालाब में कूद गई, पानी था नहीं, कीचड़ भरा हुआ था, कीचड़ में गाय और शेर दोनों दबने लगे। धीरे धीरे शेर ने गाय से कहा, तुम मुझसे बच गई पर अब तुम मरेगी। गाय कहती है, भले मरूंगी पर मेरे साथ तू भी तो मरेगा, तू भी तो मरेगा, मैं मर रही हूं पर मेरे साथ तू भी तो मर रहा है। इतने में शेर कहने लगा, क्यों, कीचड़ में मैं जान कर कर कूदी हूं शेर, मैं भी मर रही हूं तू भी मर रहा है, पर एक बात का अंदाजा लगा कर रखना शेर,
मैं गाय हूं, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तू शेर है, जब देखो जब किसी को खाने को दौड़ता है, कोई घर में भूखा प्यासा कैसा है, बच्चे को दूध पिला रही, कोई कुछ कर रही और तू उसको खाने को दौड़ता है। गाय कहती है मेरे बचने का तो अभी भी चांस है, पर तेरे बचने का कोई चांस नहीं है। शेर, मैं जानती हूं मैंने अगर पुण्य करा होगा तो कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई संत, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई इंसान अगर मुझे देख लेगा तो कीचड़ में से बाहर निकाल देगा। पर शेर, तुझे तो अगर संत साधु भी कीचड़ में देख लेगा तो नहीं निकालेगा, क्योंकि उसको मालूम है निकलेगा और खा जाएगा। इसलिए इतनी देर में दो संत आए, संतों ने रस्सी फेंक कर गाय को बाहर निकाल लिया पर शेर को नहीं निकाला। गाय जाती जाती बोली, शेर अगर मनुष्य की देह मिले ना, अपने क्षेत्र में रह रहे हो ना, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने प्रदेश में, अपने देश में रह रहे हो तो थोड़ा थोड़ा अच्छा करते हुए चलना, तो जिंदगी में कोई ना कोई हाथ पकड़कर बाहर निकाल देगा। अगर दुख देते रहोगे तो कोई नहीं निकालेगा। अच्छा करते चलो, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नारानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सीधी सीधी भाषा में बोल दें तो तेरा क्या होगा कालिया, होगा क्या? आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना है। गाय को बचाने वाला कोई है? आप सत्कर्म करते रहो, भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, अपने परिवार को चलाओ मना नहीं, परिवार को पालो मना नहीं, परिवार को संभालो मना नहीं, पर अच्छे कर्म करते करते संभाल, अच्छे कर्म करते करते चलो, अच्छा होगा ये निश्चित है। जिन सुनैना जी के यहां संतान का सुख नहीं था, उन सुनैना जी के घर में भगवान की कृपा, जानकी मैया पृथ्वी से प्रकट हो गई। जानकी मैया पृथ्वी से प्रकट हुई, माँ जानकी के पृथ्वी से प्रकट होते समय, प्रकट होने के बाद जानकी चरित्र वर्णन करता है कि सीता जी गोदी में आ गई और माँ जानकी जनक जी ने ले जाकर माता सुनैना जी की गोद में दे दिया। पर सुनैना जी की गोद में जाने के बाद जानकी मैया रोए जाएं, रोए जाएं, रोए जाएं, चुप्पी नहीं होती है। सुन लो नेपाल देश वालों, आपके नेपाल देश में शंकर जी को निमंत्रण देने वाली है मां जानकी, माता सीता जो शिव जी को बुला रही है, रो रही है मां जानकी। जिस दिन से पृथ्वी से प्रगटी है मां जानकी, इस जनकपुर में, इस नेपाल देश के अंतर्गत मां जानकी का जब जन्म हुआ, एक पिटारी में से जब प्रकट हो गई, हल चलाते समय जनक जी को प्राप्त हो गई, रोए जाए, रो रहे। बहुत चरित्र पर ध्यान देना, राम जी जन्मे थे तो रोए नहीं थे, और सीता जन्म ली तो रोना चालू कर दिया। जरा देखिए, राम जी जन्म लिए तो रो नहीं रहे, नहीं रो रहे तो कौशल्या जी कह रही है माता पुनी बोली सोमती डोली, तजऊ तात यह रूपा की जे शिशु लीला, अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। अब जरा विचार करिए, राम जी रोए नहीं और कौशल्या जी राम जी को रुला रही है कि रो, आज से रोएगा तो मरेगा, तब तक रोना पड़ेगा,
आज भी डॉक्टर सिस्टर जन्म लिए बच्चे को हॉस्पिटल में धप मार के चिमटा खोल के रुलाते हैं, आज से रोगे तो मरे तक रोना ही है। मुस्कुराना तो केवल सेल्फी में है, बाकी की तो जिंदगी में रोना ही है। जितना मनुष्य सेल्फी में मुस्कुराता है ना, ओरिजिनलिटी में नहीं मुस्कुराता। तुम देख लेना, शादी में भी देख लेना, तुम शादी ब्याहों में भी जब फोटो वाला एकदम कैमरा लेके आए और बटन दबाए, कितनी भी टेंशन में दुल्हन हो, कितनी भी टेंशन में स्टेज पे इसको गुस्सा आ रही है कि बार बार अब दुल्हन को कितना कुरदार है कि मैं पति बार बार खड़ा हो जाता और कोनी मार के कहता है। सबसे ज्यादा टेंशन दुल्हन को जब देखो, जब प्रणाम करो, जब देखो जब प्रणाम करो, पति कह रहा है, ताऊ जी हैं, फूफा जी हैं, मामा जी हैं, अब दुल्हन को कितना गुस्सा। उसके बाद जैसे ही कैमरे वाला सामने आता है तो दुल्हन कितनी भी गुस्से में हो तो भी मुस्कुराती। सेल्फी। अभी ये खेतान जी का बेटा वो कृष्णा हमको लेकर आ रहा था गाड़ी में, तो कहा गुरुजी प्लीज एक सेल्फी। हमने कहा रे ओ ओ कृष्णा, हम तेरे को जान गए हो, तू वृंदावन छोड़ के वीरगंज आ गया हो, समझ में आ गया। तो अब अपन गाड़ी में आते आते कथा सोच रहे हो, कथा का स्मरण कर रहे हो, और मालूम पड़े ये कि सेल्फी, इतनी देर में तो मुस्कुराना तो पड़ेगा। सेल्फी कर। निवेदन शिव महापुराण की कथा से, आप पूरे राष्ट्रवासियों से, पूरे देशवासियों से, जो जहां सुन रहा है उससे, कि सेल्फी में जितनी स्माइल आपके चेहरे पर रहती है, प्रयास करना, ये मनुष्य की देह बहुत छोटी है, कब जाना पड़ जाए, जिंदगी में मुस्कुराते रहना, जीवन में मुस्कुराते हंसते रहो, प्रसन्न मुस्कुराई। शिव कथा कर रही, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा, जानकी जी रो रही हैं। राम जी रोए नहीं थे जन्म के समय पर, माता ने रुलाया था, माता पुनी बोली सोमति डोली तजउ ताती रूपा, की जय शिशुलीला ती प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, राम जी को कौशल्या मैया रुला रही है। और जानकी जी को सुनैना जी चुप करा रही हैं, चुप हो जा, लाली गोदी में लाली को लिया है, जानकी जी को लिया है, खिला रहे, चुप नहीं हो रही। सीता जी चुप नहीं हो रही। बहुत बहुत प्रयास किया गया पर माता सीता चुप नहीं हो रही। और जब माता जानकी जी चुप नहीं हुई, सारे वेदों को बुलाया गया, सारे डॉक्टरों को जो भी थे उनको बुलाकर औषधि दिलवाई, पर जानकी जी जन्म लेने के बाद में रोना बंद नहीं कर रही है, रोए जा रही, रोए जा रही। जनकपुर की पावन धरा और माँ जानकी का रोना कोई साधारण नहीं है। मीराबाई रोई थी और आंखों में आंसू भर कर रोई थी, तब माँ ने पूछ लिया था मीरा क्यों रो रही हो, मीराबाई ने कहा था माँ मेरे रोने का कारण केवल इतना है, सामने घोड़ी पर चढ़कर दूल्हा जा रहा है, डोली में बैठ कर दुल्हन जा रही है, तो मीरा तू क्यों रो रही है। मीरा 5 वर्ष की मीराबाई कहती है, ये दूल्हा है, डोली में दुल्हन है, मैं दुल्हन हूं तो मेरा दूल्हा कहाँ है। तो माँ ने एक लकड़ी की भगवान कृष्ण की मूर्ति मीराबाई के हाथ में दे दी थी और कहा ये तेरा दूल्हा है, ये तेरा पति है। मीरा ने उस दिन भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था और दिन रात सेवा में लीन रहती थी। इतनी लीन मीराबाई, इतनी लीन हो गई, इतनी लीन हो गई कि जहर का प्याला भेजा अमृत हो गया, सांप का पिटारा भेजा फूल की माला बन गई, सिंह के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया सिंह देखकर चले गया, खोलते अग्नि तेल बावड़ी कुएं तालाब सारे प्रयोग करे गए पर मीरा के प्राण नहीं गए, क्योंकि मीरा भगवान कृष्ण से लगन लगाकर बैठ गई।
वो एक लाइन आप लोग करते हो ना, मंदिर जाती मीरा ने, अरे मंदिर जाती मीरा ने सांवरिया मिल गयो रे, शाम कई जादू कर गयो सांवरो। आप लोग गुनगुनाते रहते हो, मंदिर जाती मीरा ने, अरे मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, शाम कई जादू कर गयो रे, शाम कई जादू कर गयो रे, शाम कई जादू कर गयो रे। घर छोड़ा वाने द्वार छोड़ा प्रभु का द्वार अपनाया, घर छोड़ा वाने द्वार छोड़ा प्रभु का द्वार अपनाया, जादू कर गयो रे सांवरा जादू कर गयो रे। हृदय चित्त मीरा का परमात्मा में रम गया और परमात्मा ने मीरा को साधा, वेद का प्याला अमृत बना दिया। जब हृदय भक्ति चित्त मन परमात्मा में लग जाए बस, रोई मीराबाई रोई तो सांवरिया मिला, और रोए जानकी मैया रोई, इतना रोई कई दिन निकल गए, कई दिन जानकी जी चुप्पी नहीं। ये जनकपुरवासियों बहुत ध्यान से सुनना, नेपाल देशवासियों, ये आपकी पवित्र भूमि की कथा है, ये जानकी जी का चरित्र आपकी पवित्र भूमि की कथा है। कितना तप होगा मां जानकी की, माता सुनैना का, जिनकी गोद में जानकी जी सीता जी आई हैं, कितना शिव की आराधना करी होगी माता सुनैना ने जो जानकी जी को पाया, और जानकी जी ने कितनी शिव की आराधना करी होगी कि देवाधिदेव महादेव कैलाश छोड़कर नेपाल देश में आया। जरा विचार करिएगा, कितनी शिव की आराधना करी होगी कि वो कैलाश छोड़कर यहां पहुंच गया। रो रही हैं सीता जी, रो रही हैं जानकी। तो अपन इसको ऐसे भी स्मरण कर सकते हैं, भोला कहीं जादू कर गयो रे, भोला भोला कहीं जादू कर गयो रे, भोला कहीं जादू कर गयो रे, मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, मंदिर जाती मीरा ने। कोई खड़ा नहीं होगा नाचने के लिए, ठीक है? अभी एक लाइन गाएंगे, वापिस कथा चालू करते हैं। अब तुम लोग खड़े हो जाते हो तो दो तीन लाइन गाना पड़ती है। मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, शाम कहीं जादू कर 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 गयो रे, मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, ओ मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, शाम कहीं जादू कर गयो रे, शाम कहीं जादू कर गयो रे, शाम कहीं जादू कर गयो रे, बड़े भाव से अपने आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्।
श्री शिवाय नमस्तु। शिव कथा कर रही है, जानकी जी रो रही हैं, सीता मैया रो रही हैं और सुनैना जी गोदी में लेकर रात रात भर बैठी हैं, जनक जी गोदी में लेकर बैठे हैं, पर जानकी जी रोना बंद नहीं करी। कई दिन निकल गए, रोती जा रही, रोती जा रही, रोती। विलाप बंद ही नहीं है मां का, रो रही है। सारे वेद आ गए, डॉक्टर आ गए, औषधि दी, पर कोई कहे पेट दुख रहा होगा। अब छोटा सा बच्चा अंदाजा लगाया जाए तो बस यही कहे पेट दुख रहा होगा, कोई अंग दुख रहा होगा, मालिश कर दी, औषधि दे दी, घुट्टी दे दी, अच्छा वो तो उस समय की बात थी। जानकी जी रोई तो माँ ने लोरी भी सुनाई, थपथपाया भी, धीरे धीरे हाथ भी फेरा। जब का समय बच्चे अगर रोते थे रात के समय तो माँ लोरी गाती थी, सो जा लला तू तो सो, लोरी सुना। उस समय पर लोरी सुनाते थे, आज के समय में बच्चा रात को जग जाए तब देखो माँ लोरी सुनाए, सो जा। अब ये तो नहीं सोया, वो बाजू में सो रहा था ना पति, वो उठ के बैठ गया, उठते से ही बोला क्या हो गया, सो नहीं रहा। अरे छोटा है सो जाएगा, तुम चुप कर लो। अब उसने उठा के उसको दे दिया, पति को, पति बेचारा कंधे पे डाल के छत पे ले गया। चंदा मामा दूर के पुआ पकाए पूर के, और ठोकता ठोकता के तू सो जा, नहीं तो मुझे अंतिम श्वास में सुला देगी, तू सो जा, तेरी माँ है पूरी जगदम्बा है, जब वो बोलती है तो उसकी सांस भी डोलती है। वो चुप नहीं हुआ, आखिरी में फिर आया, ये चुप ही नहीं हो रहा। इतने में माँ गोदी में लेके बोली, चुप रहा, अच्छा तुमसे कहीं चुप होएगा, ला मेरे को दो। और उसने थपथपा के ऐसी 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 थपथपा के सुला दिया। अब जानकी जी को भी बड़ा सुलाया, पर माता जानकी रोए जाए रोए जाए रोए जाए, कोई चुप ना हो, लोरी सुनाई, गाने सुनाए, गीत सुनाए, भजन सुनाए, कीर्तन सुनाए, सब सुनाए, पर चुप तो हो, चुप ही नहीं हो। अच्छा आज के बच्चों का अंदाजा लगाया जाए कि हाँ चलो बच्चा क्यों रो रहा है, तो अपन अंदाजा लगा के कह सकते हैं कि गर्भ में जब बच्चा होता था तो गर्भ बच्चे को अच्छा ज्ञान देते थे। आज के जमाने में डॉक्टर कह देते हैं कि बेड रेस्ट, तो गर्भ में बच्चा रहता है तो माताएं दिन भर टीवी के सामने बैठी रहती हैं, दिन भर सीरियल देखती रहती हैं, नाटक देखती हैं, तो औलाद भी जो होती है वो नौटंकी होती है, वो भी सीरियल जैसी होती है, थोड़ी थोड़ी देर में रोती है। नाटक में भी क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर में, कोई सा ऐसा नाटक नहीं बना जिसमें दो चार दिन तक किसी को मुस्कुराता दिखाया। दो दिन अगर हीरोइन मुस्कुरा देती है तो दो घंटे बाद रोना चालू हो जाती है, रोना चालू। अब जानकी जी रो रही है तो बड़ा आश्चर्य का प्रश्न कि माँ क्यों रो रही है, खूब रोई खूब रोई खूब रोई, सारे वेद आ गए, औषधि दे दी, पर जानकी जी का रोना बंद नहीं हुआ। ध्यान देना नेपाल देशवासियों, बड़े ध्यान से कथा सुनना, जनकपुरी की यह पावन कथा। अब क्या करा जाए, भोलेनाथ जी की पूजन सुनैना जी करती थी। जनक जी ने कहा, सुनैना तुम कहां जा रही हो? सुनैना जी कह रही हैं, अब कोई औषधि नहीं लगेगी, तब एक ही औषधि लगेगी, मेरा बाबा आएगा ये निश्चित है, और वो आएगा तो ये चुप हो जाएगी,
इतने में जनक जी ने कहा, उनके गले में सांप, कानों में बिच्छू, सिर पे गंगा, भस्म रमाए हुए, अगर इसने देख लिया तो और रोना चालू कर देगी। नहीं नहीं नहीं, तुम आप देखो, होगा जरूर बाबा। और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा। जिससे लगन लगाया हुआ होता है उस पर पूर्ण भरोसा रखना, पूर्ण भरोसा। कहा रुको, भोलेनाथ जी तैयार हुए, शिव जी ने श्रृंगार करा। आज भोले बाबा बनकर नहीं आए, आज भोले बाबा एक अघोरी बनकर आए, अघोर अघोर ही बनकर आए और पहुंच गए नेपाल देश की पावन धरा पर जनकपुरी में। और बाबा इस नेपाल देश की पावन धरा पर जनकपुरी में पहुंचे और जगह जगह पर बैठते जाएं, आवाज लगाते जाएं, आवाज लगाते 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 जनकपुरी में दरवाजे पर भोलेनाथ जी अघोरी का रूप धर कर बैठे और खबर करवा दी, सुनैना जी के पास सूचना करो, उनके गोद में जो बेटी है मुझे मालूम पड़ा उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इतने में किसी ने सुनैना जी से कह दिया, कोई अघोरी आया है, बड़ा पहुंचा हुआ लगता है, तन पर भस्म रमी है और कानों में कुंडल है, गले में मुंड माला पहना हुआ है, भयंकर दिखता है, मस्तक काला त्रिपुंडता लगाया हुआ, अघोरी तो अघोरी होता है, बड़ा विचित्र स्वरूप है उसका। अच्छा क्या कह रहा है, सुनैना जी से कह दो उनकी बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको देखने आया। सुनैना जी ने कहा, अगर बेटी को देखने आया है तो इतना भयंकर स्वरूप है, बेटी को देखेगा तो बेटी तो और रोने लगेगी, पता देखो देखो, बुलाओ। अघोरी को अंदर बुलाया, जो अंदर बुलाया, अंदर आते से जानकी जी और चीख कर रोने लगी, भयंकर चीख, और चीख कर रोने लगी। अब तो सुनैना जी को लग गया कि सीता जी को ना जाने अब इस अघोरी की ओर नजर लग गई, अब और रोने लगी, भयंकर रोती रोती। अब शंकर भगवान जो सीता जी के पास में गए तो जानकी जी ने आंख बंद कर ली, छोटी सी जानकी जी छोटे छोटे नयनों को बंद करके और चीख के रोई, और चीख के रोई। तो शंकर जी सोचे ये तो और काम बिगाड़ के मानेगी पक्का। सुनैना जी ने कहा, बाबा मेरी बेटी रोना बंद कर देगी क्या? शंकर भगवान बोले, अघोरी बोले, चिंता मत करो, एक ऐसा मंत्र दूंगा जिस मंत्र से ये तुम्हारी बेटी रोना बंद कर देगी। अच्छा, पर एक बात का ध्यान रखना, मंत्र मैं दूंगा तो ये मेरी चेली और मैं इसका गुरु। सुन लो नेपाल वालों, पूरे नेपाल देश का एक ही गुरु है और वो देव अधिदेव महादेव पशुपति नाथ है, वो ढोलेश्वर मेरा महादेव है। मैं मंत्र दूंगा तो मैं गुरु, ये मेरी चेली, ठीक है आप गुरु बन जाओ, पर मेरी बेटी चुप होना चाहिए, पक्के में चुप हो जाएगी ना? बिल्कुल पक्के में चुप। भोलेनाथ जी पलने के पास में गए, अघोरी का रूप मेरे महादेव का था और पलने के पास जाकर मेरे भोलेनाथ जी ने माता जानकी के चरण को हाथ लगाकर चरणों को माता जानकी के हाथ लगाकर कानों के पास में जाकर मंत्र दिया श्री राम, जो मंत्र दिया सीता जी ने रोना बंद कर दिया, जानकी जी ने रोना श्री राम, जो मंत्र दिया जानकी जी रोना बंद। और राम राम रटते रहो जब तक तन में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी,
राम नाम जैसे सीता जी को दिया, सीता जी ने रोना बंद कर दिया। जनक जी ने पूरे नगर में सूचना कर दी, धन्य है ऐसा गुरु जिसने हमारी जनकपुरी की भूमि पर आकर मंत्र दिया है। तब शंकर भगवान अघोरी के रूप में जब जाने लगे, दक्षिणा जनक जी महाराज देने लगे, जब दक्षिणा देने लगे तो शंकर भगवान ने मना कर दिया, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। जनक जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा इतनी कृपा जरूर करना, जनकपुरी में मेरे प्रदेश में मेरे देश में इस नेपाल के देश में इतनी कृपा जरूर बना कर रखना कि आप हमेशा आकर अपना गुरु मंत्र देते रहना। शंकर जी ने कह दिया, इस नेपाल देश की भूमि पर जब जब मैं आऊंगा तब गुरु मंत्र देकर जाऊंगा। ये पवित्र नेपाल देश वो देश है जहां मेरा ओघरदानी पशुपतिनाथ, मेरा डोलेश्वर महादेव, जनकपुरी में भी मेरा महादेव आकर राम नाम प्रदान कर चले जाता है। और जहां शंकर भगवान मंत्र दे देते हैं वहां राम कभी वन, राम जी वन में गए थे तो उनकी आंख में आंसू थे सीता जी को ढूंढने के, पर राम जी जब जनकपुरी आए थे तब राम जी की आंख में आंसू नहीं थे, बड़ा प्रसन्नता थी क्योंकि सीता को बिहाने के लिए आए थे। ये नेपाल की धरा पर भगवान खुश होकर आता है क्योंकि यहाँ मेरे महादेव मंत्र प्रदान करते हैं, राम नाम मेरे शिव प्रदान कर देते हैं। शिव सहज नहीं, देवराज नाम के ब्राह्मण ने शिव को प्राप्त करा, बिंदुक नाम का ब्राह्मण प्रेत योनि में पड़ गया तो चंचुला देवी ने कथा को श्रवण कर ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा। हर हर महा